हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि जितने भी प्रॉब्लम्स आए मधुर सर ने बहुत अच्छा फाइट किया एंड वी कॉन्कर्ड इट और आज प्रीमियर है और कल रिलीज है. आई एम वेरी एक्साइटेड. सी आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर अपोजिट नील नितिन मुकेश. इनका नाम फरजाना सुल्ताना है. उनको लेके बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आए कि इनसे इंस्पायर्ड है, उनसे इंस्पायर्ड है, बट मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उस बारे में कुछ भी बात करूँ. जो भी मुझे मधुर सर ने कहा, जो भी ब्रीफ दिया, मैंने सिर्फ उसको फॉलो किया. सो पॉलिटिकली आई कांट से यस. यू नो जब मुझे बहुत सारे मीडिया से फ़ोन कॉल आया कि ये संजय गांधी की गर्लफ्रेंड पे इंस्पायर्ड है, सो मेरा यही था कि मुझे ऐसा ब्रीफ नहीं मिला था जब मैंने फिल्म साइन की थी. तो जो ब्रीफ नहीं मिला मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर सकती हूँ. मुझे बताया गया था कि वो कैसे दिखते हैं, उनका हेयर कट कैसा है, 1975 में इमरजेंसी में उस लेडी ने क्या क्या किया था. सो मैंने सिर्फ उनका ब्रीफ फॉलो किया, बट रिलेटेड टू संजय गांधी एंड ऑल आई हैव नथिंग. यस यस, काफ़ी कट्स लगाए गए हैं. सो आई होप आज फिल्म देखी मुझे पता चलेगा कि कितना यू नो मतलब बचा है फिल्म में दिखाने के लिए फरजाना को. आई होप देयर शुड बी अ लॉट फॉर द ऑडियंस टू सी ऑल्सो. यस आई थिंक सो कि हम बहुत डेमोक्रेटिक हैं, ऐसा हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट आई थिंक कई बातें बोलने के लिए थोड़ा सेंसिटिव होके बोलना इम्पोर्टेंट होता है. सो सेंसिटिविटी से बोले तो सब कुछ अच्छा होता है. आई फील लाइक आई एम वेरी नर्वस एक्चुअली बिकॉज माई फर्स्ट फिल्म दैट इज अपोजिट नील नितिन मुकेश एंड मधुर सर. आई एम मोर देन एक्साइटेड. आई एम वेरी एक्साइटेड. थैंक यू. चलो सर, आखिरकार को भी रिलीज हुई है. हाँ, बहुत बहुत खुशी हुई है कि इतनी 10-12 दिन से जो एक ट्रॉमा में गए हम, इतना संघर्ष किया हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब जगह, और फाइनल फिल्म रिलीज हो रही. बहुत खुशी हो रही है और आज एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस भी है क्योंकि पूरा हमारा कास्ट एंड क्रू दिख रहा है पिक्चर, तो बहुत अच्छा लग रहा है. और कीर्ति जी बताइए. बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर, और बस अब इंतज़ार है दर्शकों के फिल्म के देखने का और उनके उनके फाइनल वर्डिक्ट का, उनके प्यार का. इसका जवाब दे. बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा रिवाइजिंग कमेटी ने जो पिक्चर देखी उनको बहुत अच्छी लगी पिक्चर. उसके बाद जो एसेंस है पिक्चर का बिल्कुल नहीं कटा, दो छोटे छोटे कट्स दिए उन्होंने, दो जगह बीप था, बीप मारने हमको कहा वो कर लिया, और डिस्क्लेमर था बस. तो और बाकी जो 16-17 कट्स थे बहुत एज इट इज रहे, वो बात की खुशी है. कल की तैयारी कुछ नहीं सर, सवेरे हमारा 2-4 इंटरव्यू है वो करेंगे हम, और फीडबैक लेंगे सबका कैसे लग रहा है. पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया में इतना पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. लोगों ने टिकटें बुक की है ऑल इंडिया, तो इस बात की खुशी है. और मैं यही चाहूँगा कि लोग सराय पसंद करें और वो पिक्चर अच्छी लगे उनको. बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत थोड़ी नर्वसनेस भी है फिल्म को लेकर, लेकिन आई थिंक हाँ मैंने कहा बहुत खुशी ऑफकोर्स है, बहुत एक्साइटमेंट है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी है कि क्या होगा कल, कैसे रिएक्शंस आएंगे, बट आई थिंक हम इतनी दूर तक पहुँचे हैं इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है. एंड थैंक्स टू मधुर, इनके बिना ये फिल्म रिलीज होना मुझे तो मुश्किल लग रहा था. चले रहती है, सो ये भी वैसे ही रहेगी और बहुत चर्चे में भी है, तो देखना चाहूँगी. यस, आई थिंक सबने बहुत ही अच्छा काम किया है मैंने सुना है, एंड कीर्ति, नील, एवरीबडी इज फैंटास्टिक, सो आई गो एंड वॉच इट नाउ. वो तो हमेशा उनकी पिक्चरें होती है वो ऐसी थोड़ी चर्चे में रहती है, सो आई थिंक नथिंग न्यू, बट आई एम श्योर इट्स गोना बी अ ग्रेट फिल्म. थैंक यू. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज इस फिल्म को जिस तरीके से अब बिना किसी कट्स के रिलीज करने की जो एक परमिशन मिली है, और जो लड़ाई मधुर और पूरी टीम ने लड़ी है, उसकी जो जीत है उसकी खुशी बहुत ज़्यादा है. ये एक डेमोक्रेसी की जीत है, और इनटॉलरेंस की जो एक बात इस देश में बहुत टाइम से चल रही है उसकी बहुत बुरी हार है.
तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। और मधुर बहुत बेहतरीन फिल्म मेकर हैं, नेशनल अवार्ड विनर हैं, बहुत हार्ड हिटिंग फिल्में बनाते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं एक्साइटेड हूँ उनकी फिल्म देखने के लिए और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन फिल्म देखूँगा। हम तो वैसे भी सॉफ्ट टारगेट होते हैं, क्योंकि कोई अगर बोलेगा कि इस पत्थर थिएटर पे पत्थर पड़ जाएंगे तो ये थिएटर हमारी फिल्म नहीं चलाएगा, तो हम सॉफ्ट टारगेट हैं। और ये मैच्योरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि अगर उनको किसी भी फिल्म के कंटेंट से कोई ऑब्जेक्शन है, कोई विरोध है, तो वो डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ें, केस करें। फिल्म देखने से पहले ही वो शुरू हो जाते हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत गलत है और ये रुकना चाहिए और इसकी मैच्योरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद दिखानी चाहिए। थैंक यू। अभी जस्टिस के बाद मूवी को रिलीज किए जा रही हैं, मधुर भंडारकर की जो जंग है वो सक्सेस हो रही है, क्या कहेंगे, कितना एक्साइटेड है आज की मूवी? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि जो उनके फेवर में रिजल्ट आया है। आई थिंक यू नो नो फिल्म शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम रिलीज, तो मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली जाकर मधुर की फिल्म आज रिलीज़ हो रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड। यू नो व्हेन अ फिल्म मेकर ट्राइज टू मेक फिल्म्स अबाउट पॉलिटिक्स और ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मतलब चाहे वॉर हो और इस केस में अब इमरजेंसी है, सो आई थिंक अ फिल्म मेकर शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस वॉट ही वॉन्ट्स टू कमेंट अबाउट दैट सिचुएशन। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मधुर्स फिल्म टुनाइट। सर, जो बातें दबी थी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को सॉफ्ट टारगेट किया जाता है हमेशा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ आर्टिस्ट की बात करते हैं, हम फ्रीडम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है यहाँ पर फ्रीडम, तो हमें क्यों, मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री को हमेशा क्यों टारगेट किया जाता है कि उन्हें इस तरह की मूवी को बनाने के लिए क्यों दबाया? नहीं, सी व्हाट हैपेंस इज, जब आप किसी बुक में लिखते हैं, इफ़ यू एक्सप्रेस एनी पॉलिटिकल सिनेरियो और सोशल सिनेरियो इन अ बुक फॉर्म, it still is in a print medium, but the moment it gets into a visual medium, so it has a much more impact and it can create more impressions on people. So ek misnomer hai sabke dimag mein ki yaar film mein agar baat aa rahi hai to ye shayad kuch tehlka kuch bura tehlka machayegi, but mujhe nahi lagta aisa hai, because film is after all a film, aap kuch bhi kar le, film should entertain and should give a message, should leave some impression on the minds of the people. Bollywood industry ko ek saath aakar kya step lena chahiye iske liye? Kuch nahi, aur filmein banaiye, main kehta hu abhi ye ek political film, political situation pe film bani hai, war films ban rahi hain, to I think these are all the different genres which have not been explored. So jitne film makers aage aayenge aur all filmein banayenge, that is good. I feel it's most welcome. मैं बस बहुत खुश हूँ कि फाइनली रिलीज़ हो रही है। आप जानते हैं इसके पीछे किस किस्म का बवाल हुआ था, मगर आखिरकार मेहनत जो की है इसके पीछे वो अब कल रंग लाएगी। आप लोगों के सामने फिल्म आ रही है, मधुर ने बहुत मेहनत की है, हम सभी ने मेहनत की है, उम्मीद करता हूँ पसंद आए आप लोगों को। वेल, नर्वस तो मैं नहीं रहता, नर्वस थोड़ा बहुत इसलिए होता हूँ क्योंकि आपके काम को इतने सारे लोग देख के फिर जजमेंट एक पास करेंगे, तो थोड़ी बहुत होती है उस हिसाब से नर्वसनेस, अदरवाइज इट्स ओनली अबाउट बीइंग प्राउड एंड एक्साइटेड अबाउट। वेल, जैसे आपने नोटिस किया होगा शायद कि इस पूरे दौरान मैं बहुत ही खामोश बैठा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसे जो विवाद हो जाते हैं वो अपने आप ही एक मोड़ ले लेते हैं और एक अपने आप ही शांत भी हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में ये जजमेंट पास किया, मैं किसी के खिलाफ नहीं कहूँगा, किसी के लिए नहीं कहूँगा, बस क्योंकि एक फ़िल्म है, उसमें मधुर सर ने ऑलरेडी पहले इंटरव्यूज़ में अपने कहा था कि 70% जो है वो फिक्टिशियस है, फिक्शनल है, तो एक फिल्म है, उसकी कहानी है, कहानी हम एक समय पे एक आधारित है बस, तो आप एक फिल्म आए देखें,
कि क्या क्या उस दौरान हुआ था, उसके कैरेक्टर्स कैसे थे, ना कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं कि ये फिल्म बना के हम आप किसी को यू नो नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते जी। काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के इसमें जहाँ पर मूवी रिलीज की जाएगी और आज भी सिक्योरिटी है जहाँ पर स्क्रीनिंग चल रही है, तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कुछ गलत हरकतें ना करें, कोई कुछ मैसेज देना चाहेंगे? वेल आई कैन ओनली प्रे एंड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द फैंस आउट देयर दैट इट्स अ फिल्म, एक फिल्म जब रिलीज होती है एक ऑडिटोरियम में तो फैमिली फिल्म होती है, फैमिली अपने परिवार के साथ जाता है, तो शायद कभी बाय मिस्टेक अगर किसी ने कोई एक बंदा अगर बवाल कर दे तो बहुत दूसरों को भी असर पड़ता है, तो बस यही एक दरख्वास्त है कि शांति से आप जाएं थिएटर में, एंजॉय करें फिल्म, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म है, मधुर भंडारकर वापस आ रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तो आप मज़ा लें उसका। कितने कट्स आए हैं फिल्म के अंदर इसके बारे में? वेल आई थिंक देयर आर अ फ्यू कट्स ऑलरेडी बट आई विल गेट टू नो नाउ, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, तो आज आप लोगों के साथ मैं भी आज पहली बार देख रहा हूँ फिल्म, तो देखते हैं कि कौन सा डायलॉग कटा क्या रहा है। थैंक यू सर। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मूवी रिलीज हो रही है, देखिए हर जद्दोजहद का जो अंजाम होता है वो अच्छा होता है। पिक्चर जो की पृष्ठभूमि जो है वो इमरजेंसी पर आधारित है, जो कि हमारे देश की एक हकीकत है जो हमारे देश में हुआ है। अभी हम उस सिनेमा के उस दौर से गुजर रहे हैं, आर्ट्स और एंटरटेनमेंट के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हमारे देश में जो जो हुआ है उस पर फिल्में बना सकते हैं और लोग देख सकते हैं। आज का जो यूथ है जो काफ़ी प्रतिशत में हमारी जनसंख्या में है वो समझता है, उनको बताना ज़रूरी है कि 75 में जो इमरजेंसी लगी थी वो भी हमारे देश का एक इतिहास की एक बहुत अभिन्न अंग है। और पिक्चर जो है वो मैंने देखी नहीं, आज देखने वाला हूँ और मैं बहुत उत्साहित हूँ, और ये कल लगने वाली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी जाएगी, बिकॉज मधुर भंडारकर की जो छाप है एज अ डायरेक्टर इस फिल्म में बहुत साफ नज़र आती है, बहुत सशक्त अभिनय है लोगों का, कीर्ति ने बहुत अच्छा काम किया है, अभी नील आपसे बात कर रहे थे बहुत अच्छा काम किया है, तोता ने बहुत अच्छा काम किया, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए वो किस पृष्ठभूमि में बोला गया है, किस रेफरेंस से बोला गया है, आप उस रेफरेंस से देखिए, और हमारे देश में महात्मा गांधी जो हैं वो बहुत बड़े नाम हैं, ज़रूरी नहीं कि उसके बाद जो भी गांधी आए उनका भी उतनी महानता से देखा जाए, ज़रूरी नहीं, तो ये पर जहाँ तक गांधी की बात करी जाए, महात्मा गांधी महान पुरुष थे, हमारे देश की आज़ादी में उनका बहुत बहुत महत्व था, इसीलिए उनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर गांधी को हम उतना ही मान दें, सम्मान दें, जो काम करेगा उसको सम्मान मिलना ज़रूरी है, और ये भी सच है कि जो इमरजेंसी में हुआ उसके पीछे भी एक गांधी थे, तो ये है इस फिल्म की जो कॉन्टेक्स्ट है। देखिए जनता से मेरी यही अपील है कि इस फिल्म को भारी से भारी मात्रा में देखें, ये कहानी काल्पनिक है, पृष्ठभूमि बेशक जो है वो जो इसका रेफरेंस है वो बेशक यथार्थ से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, आई एम श्योर जनता बहुत समझदार है, इसको बहुत शांति से देखेगी, लोगों को बढ़ावा देगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखेंगे। जहाँ की सिक्योरिटी की बात है आई थिंक विल बी ऑल हैप्पी टू वॉच दिस फिल्म।